अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। आज की डेट में जो बहन जी ने गठबंधन को अलग अलग करा है वो खैर होता नहीं होता, पार्टी के अपने नज़रिए होते हैं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी को सभी लोग बोल रहे हैं कि इनको हटाओ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या है सतीश चंद्र मिश्रा जी का, ऐसे सतीश चंद्र मिश्रा जी का क्या रोल है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, वो भी थोड़ा क्लियर करें, और बहुजन समाज पार्टी को कितना मजबूत करने में सतीश चंद्र मिश्रा जी का हाथ है वो भी बताएं हमें। देखिए, मैंने जब आरंभ में ही बात कही थी, जब हम इस बिंदु पर बात करते हैं, जब इस विषय पर बात करते हैं बहुजन राजनीति पर, तो हमें निश्चित रूप से इस देश की सामाजिक व्यवस्था को देखना होता है। और जब हम ये देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो उभार था काशीराम जी के बाद, बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा जी की एक बहुत बड़ी भूमिका तय हो गई, और ये भूमिका बहुजन समाज के लिए बहुत बड़े शंका के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। और ज़्यादातर देश के विद्वान हों, चिंतक हों, सभी के अंदर एक निराशा व्याप्त हुई। वह इसलिए कि सतीश चंद्र मित्रा जिस वर्ग से आते हैं वह वर्ग इस देश में सामाजिक समानता की बात को नहीं चाहता है, वह इस देश के सर्वांगीण विकास को नहीं लाना चाहता है, तो इसलिए तमाम लोगों के अंदर यह चीज़ विवश कर रही थी कि सतीश चंद्र मिश्रा आगे क्या करेंगे, क्योंकि वह जिस वर्ग से आते हैं वो पूरी मानसिकता बहुजन समाज के खिलाफ है, बहुजन समाज के विरोध में है, बहुजन समाज के उत्थान के विरोध में है। और इसीलिए बार बार ये बात हर जगह लोगों ने ये बात की कि सतीश चंद्र मिश्रा इस बहुजन समाज पार्टी में उनका क्या स्थान है, लेकिन हम ये पाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और इस विशेषकर इस चुनाव में जब हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी एक आशा के रूप में हमारे सामने उभर रही थी, तो इसमें सतीश चंद्र मिश्रा की क्या भूमिका थी, और वो सतीश चंद्र मिश्रा जी के जो काम थे वह रिज़ल्ट के रूप में हमारे सामने दिखता है। और रिज़ल्ट था कि जो एक बहुत बड़ा गठबंधन, ऐसा गठबंधन जिससे पूरे भारत की राजनीति प्रभावित हो रही थी और पूरे भारत में एक तहलका मचा हुआ था, विशेषकर जो इस देश की मुख्य मीडिया है, मैं तो उसे विशेष रूप से दलित विरोधी, बहुजन विरोधी मीडिया कहता हूँ, उन्होंने इस गठबंधन को जिस रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया था, और आपने देखा होगा बहुत सारे सब थे अनमेल गठबंधन, और ये गठबंधन आगे नहीं चलेगा, ये सारी बातें पहले से की जा रही थी, ये बड़ी भूमिका तय की जा रही थी, लेकिन इसके पीछे, इन सब के पीछे सतीश चंद्र मिश्रा एक बहुत बड़ा कारण थे, जिस पे बहुजनों के अंदर एक बहुत बड़ी शंका व्याप्त थी, और वो शंका बाद में चुनाव के बाद उभर कर सामने आई है कि जिस रूप में पूरा बहुजन इस देश में जुड़कर, और जो भूमिका हमने देखी, चाहे वो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजधानी से लेकर हर प्रदेश में आपने देखा होगा, दक्षिण तक में सारी जगह एक आशा की किरण, बहुजनों के लिए एक आशा की किरण के रूप में बहुजन समाज पार्टी हमारे सामने आती है, और वो तमाम पार्टियां जो बहुजन समाज की राजनीति करते हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते चले जा रहे थे, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, और यही नहीं, वहाँ के सारे बहुजन, जिस बहुजन को जाति व्यवस्था के तहत टुकड़े टुकड़ों में बाँट रखा है व्यवस्था ने, वो सारे बहुजन इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन इस बीच में जो राजनीति हो रही होगी और जो समझने वाले समझ रहे होंगे, वो उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका थी, इस गठबंधन को या इस बहुजन राजनीति को तोड़ने का, उसको ख़त्म करने की साजिश वो निश्चित रूप से रच रहे होंगे, और वो हमने परिणाम रूप पे हमने देखा कि जो आशा की किरण हमारे सामने थी और चारों तरफ आवाज़ उठ रही थी, ये और बात है कि इस देश के बहुजनों में भी जो मानसिकता है उसके तहत जो बात की जा रही थी कि बहन मायावती जी अगली प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इस रूप में भी एक मैं समझता हूँ कि शायद विरोध के रूप में ही काम कर गया, क्योंकि जो मानसिकता है उसमें, जो व्यवस्था है उसमें, एक दलित महिला को इस देश के प्रधानमंत्री कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
कोई का मतलब यहाँ पर मैं वही कहूँगा जो जाति व्यवस्था के समर्थक है, जो जाति व्यवस्था में उलझे हुए लोग हैं, जो जाति व्यवस्था का ढो रहे हैं। तो इसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी की बहुत बड़ी भूमिका इस रूप में रही कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को। प्रोफेसर साहब, कहा जाता है कि जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं वो बहन जी कहाँ पर जाएंगी, किस पत्रकार से मिलेंगी, कौन सी मीटिंग में जाना है उनको, ये सभी निर्णय आप बड़े बड़े अधिकारियों में बैठते हैं, बसपा में बहुत अच्छी आपकी पकड़ भी है, बहुत सारे राजनीति के लोग आपसे आते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो ये कहाँ तक सच बात है कि बहन जी के अधिकतर फैसलों को सतीश चंद्र मिश्रा जी लेते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, जो केवल अगर आप नज़दीक से मिलना जाएं, जो भी समझदार लोग होंगे वो ये ज़रूर देखेंगे और वो तुरंत समझ जाएंगे, क्षण भर में समझ जाएंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी के निर्णय होते हैं वो सारे निर्णय सतीश चंद्र मिश्रा जी लेते हैं, क्योंकि बहुजन मायावती जी पर, बहन मायावती जी पर उनका बहुत बड़ा दबाव है, और क्या दबाव है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बहुजन राजनीति है उसको तोड़ने को, उसको ख़त्म करने की मुख्य भूमिका में सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका बहुत बड़ी है। और आगे अगर बहन मायावती जी अगर नहीं चेतती हैं और कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेती हैं, तो जो बहुजनों की जो आशा है, निश्चित रूप से सतीश चंद्र मिश्रा जी उसे फलीभूत नहीं होने देंगे और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी, उसकी लोकप्रियता में कमी आएगी। और इसलिए मेरे विचार से और ज़्यादातर इस देश के बहुजन के विचार से सतीश चंद्र मिश्रा जो बहुजन समाज की उनकी जो भूमिका है उसको न्यूनतम करना होगा, उनको बहन जी उन्हें अपने पार्टी में रखें, लेकिन उन्हें अपने सारे निर्णयों को लेने में उनकी भूमिका को दूर करें वो, और यही बहुजनों की आशा है। और बहुत सारे पूरे भारत में कोने कोने से बहुजनों के अंदर ये बात उभर कर आ रही है कि आज जो भी परिस्थिति बनी, जो भी एक आशा की किरण को धूमिल होते हम देख रहे हैं इस देश में, जो बहुजनों की आशा को धूमिल होते देख रहे हैं उसमें सतीश चंद्र, आपने बड़े अच्छे से बताया कि जो सतीश चंद्र मिश्रा है उनको अलग किया जाए, लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कोई भी एक नॉर्मल परिवार से व्यक्ति होता है कभी भी अपना ज्योतिषी, अपना डॉक्टर या अपनी लॉयर कभी बदलता नहीं है। और जहाँ तक लॉयर की बात मैंने करी है, तो जहाँ तक बहन जी के जितने भी केसेस हैं, जितने भी चीज़ों को देखते हैं, वो सतीश चंद्र मिश्रा जी देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि किस तरीके से उनको अलग किया जाएगा, अगर अलग किया जाए तो कैसे किया जाए वो बताएं। देखिए, मैं तो यहाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगा, कानून एक अलग हिस्सा है, कानून की बात जहाँ तक है वो सतीश चंद्र मिश्रा जी देखें, वो बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत बड़े वो अपनी भूमिका निभाते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन जहाँ तक बहुजन राजनीति की बात है वो एक सामाजिक चेतना की बात है, और उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी की भूमिका नहीं होनी चाहिए। बहन जी की जितनी जो कानूनी चीज़ें, कानूनी लड़ाइयाँ हैं वो उनको ज़रूर देखें, वो बहुत बड़े विचारक हैं इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कानून के क्षेत्र में उनकी भूमिका बन सकती है, और उनका काम उस दायरे तक होना चाहिए, ना कि सामाजिक, ना जी पार्टियों के, ना जो ये बहु गठबंधन बना इस देश में, ये गठबंधन ऐसा ऐतिहासिक गठबंधन था, चाहे वो गठबंधन का जो भी परिणाम हुआ हो, और अभी आपने देखा होगा दिल्ली में बहन जी ने जो बात कही सबसे महत्वपूर्ण बात है, और बहन जी के मैं यहाँ ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा, बहन जी ने इस चुनाव में जहाँ भी अपने भाषण में इस देश के सर्वांगीण विकास की बात कही थी, ना उन्होंने कोई चुनावी वादा किया था ना लिखित रूप से ये किया था, लेकिन इस उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, भाषण देने में विश्वास नहीं करते हैं, केवल स्लोगन देने में विश्वास नहीं करते हैं, और इस नाते हमें ये ज़रूर देखना होगा। और गठबंधन जो हुआ था ये बहुत बड़ी सामाजिक चेतना की बात थी, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस देश में शायद बहुजनों के इतिहास में ये बहुत गठबंधन आगे रहना चाहिए, और उसमें उसका इशारा भी बहन मायावती जी ने इस रूप में किया था कि अखिलेश और डिंपल, उनकी पत्नी डिंपल से हमारी जो रिश्ता है वो वैसा ही रहेगा, इसका मतलब है कि जो ये गठबंधन है वो आगे भी जाएगा, और बहन जी को इस रूप में इस गठबंधन को आगे लाने के लिए काम भी करना चाहिए। और फिर से मैं कहना चाहूँगी, सतीश चंद्र मिश्रा जी की भूमिका उनकी पार्टी में, बहुजन समाज की पार्टी में,
न्याय तक कानून की जो उनके जो भी कानून से जुड़े हुए हैं पार्टी गतिविधियों में नहीं होने चाहिए, सामाजिक जो उनके संगठन हैं उनमें नहीं होने चाहिए, वरना सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा के रूप में हमेशा बने रहेंगे। आप थे हमारे साथ प्रोफेसर शतकुमार जी, और जिन्होंने हमें बताया है कि जो गठबंधन था वो अभी टूटा नहीं है, और बहन कुमारी मायावती ने अपनी स्पीचेस में भी कहा है कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से भूमिका निभाई है, और जो डिंपल यादव है उन्होंने बहुत मान सम्मान रखा हुआ है, और गठबंधन टूटा नहीं है लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से कुछ ना कुछ अलग है। सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर भी बहुत बड़ी बात कही कि सतीश चंद्र मिश्रा जी को पार्टी से अलग होना चाहिए, उनका सिर्फ जो रोल होना चाहिए वो सिर्फ अपने पार्टी और कानून तक के दायरे में रहना चाहिए। आपने हमारे चैनल से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।